बच्चों आज हम पढ़ेंगे वन्य जीवन एवं वन संरक्षण। इसके पहले अध्याय में हमने वन्य जीवन का अध्ययन किया था, आज हम अध्ययन करेंगे वन संरक्षण का। सबसे पहले वन संरक्षण का अर्थ। वन संरक्षण का अर्थ है वन संपदा या वनों से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग हम वनों को बिना नुकसान पहुंचाए निरंतर करते हैं तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो वन संपदा जो है सुरक्षित बनी रहती है। तो इस प्रकार से वन संपदा का अर्थ हुआ वनों का या वन संपदा का ऐसा उपयोग जिसमें वनों को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपने आवश्यकता की चीजों का उपयोग करना तथा भविष्य के लिए उसे सुरक्षित रखना, यह है आपकी वन संरक्षण का अर्थ। अब मनुष्य आगे, मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे विकसित या सफल जीव है और जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तब से वह अपने लिए या अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई प्रकार का प्रयास करता रहा है। इसके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान या इसके लिए वो किस पर निर्भर रहता है, वनों पर निर्भर रहता है क्योंकि वनों से ही उसको अपने जीवन को सुखमय बनाने की चीजें जो है प्राप्त होती है। जैसे घर बनाने के लिए लकड़ी उसको कहाँ से मिलता है, जंगल से ही मिलता है। उसी प्रकार से जलाऊ लकड़ी, अनेक प्रकार की औषधि, ये सभी चीजें जो है उनको कहाँ से मिलती है, वन से ही मिलती है। इसके लिए इसके अलावा आवागमन की सुविधा को सुगम बनाने के लिए सड़कों और रेलों की आवश्यकता होती है। तो सड़क और रेल लाइन बिछाने के लिए भी किसको काटा जाता है, वनों को काटा जाता है। कारखानों की स्थापना करने के लिए भी हम वनों को ही काटते हैं। इस प्रकार से मनुष्य की जो सुखमय जीवन है उससे हम सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, वनों को ही होता है। वनों के कम होने से बहुत सारे वनोपज जैसे कि लाख खाद्य पदार्थ, विभिन्न प्रकार के जंतु उत्पाद भी कम होते हैं, साथ ही पर्यावरण क्या होती है, प्रदूषित होती है। पर्यावरण के प्रदूषित होने से पानी या बारिश भी कम या ज्यादा होता है, जिससे यदि बारिश कम होती है तो क्या पड़ता है, सूखा पड़ जाता है और यदि बारिश अधिक होती है तो बाढ़ आने की संभावना जो है अधिक होती है और बाढ़ से विभिन्न प्रकार की रोग और महामारियां जो है फैलती है, जिससे मनुष्य को क्या होता है, नुकसान होता है। इन सब हानियों या नुकसानदायक चीजों से बचने के लिए हमें हमारे पास जो वन संसाधन है उसको सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्य या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हम वनों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है, उन्हें हम अब संक्षिप्त में देखेंगे।
तो वन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया जा रहा है। इसमें कुछ इस प्रकार के कार्य जो है किए जाते हैं। सबसे पहले जो पुराने वृक्ष हैं उनको काटकर उनके स्थान पे नए पौधे या नए वृक्षों को लगाना चाहिए। दूसरा, अधिक से अधिक वन लगाना चाहिए या अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तीसरा है, जंगल में जो आग लगती है उसको क्या कहते हैं? दावाग्नि। तो जंगल को या वन को आग से भी बचाना चाहिए। चौथा, यदि किसी कारण से जंगल में आग लग जाती है तो जले हुए वन के स्थान पर भी नए वन को लगाना चाहिए या नए पौधों को लगाना चाहिए। जो प्रतिबंधित या संरक्षित क्षेत्र होते हैं जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य, उन पर पशु चारण रोकना चाहिए। संरक्षित स्थानों में पशु चारण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगला जो प्रयास है वो है राष्ट्रीय उद्यान एवं राष्ट्रीय अभयारण्यों तथा जंतु उद्यानों की स्थापना करनी चाहिए। प्राणी उद्यान या जंतु उद्यान इसके आगे आम जनता को वन्य जीव या वनों के बारे में जागरूक करना चाहिए या फिर लोगों में जागरूकता फैलाना चाहिए।
यदि आम जनता जागरूक होती है तो वे अपने आप ही वन को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। आठवां जो प्रयास है, वनों की कटाई पर प्रतिबंध होना चाहिए। प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक वानिकी का जो प्रोग्राम है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक वानिकी में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे पौधों का वृक्षारोपण किया जाता है जिनका उपयोग ग्रामीण जनता जो है जलाऊ लकड़ी आदि के रूप में या जलाऊ लकड़ी के लिए या ईंधन के रूप में प्रयोग में लाती है। इसके अलावा इसमें गांव के जो ग्रामीण होते हैं उनको क्या मिलता है, रोजगार प्राप्त होता है। दसवां, शहरी क्षेत्रों में सड़क के किनारे रेलवे लाइन के किनारे तथा चौराहों के आसपास जो खाली स्थान होते हैं उन पे वृक्षारोपण करनी चाहिए। खाली स्थान या जगहों पर ये आपके वन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो हमारे भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब हम आगे देखेंगे भारतीय वन। भारतीय वन, भारत की जो क्षेत्रफल है या भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है
क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, जिसमें से 22.7% क्षेत्र में वन पाया जाता है। जो विश्व का लगभग कितना प्रतिशत है? 2% है। भारत में वनों को वातावरण के आधार पर तथा क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम भारत में वातावरण के आधार पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। वातावरण के आधार पर वन जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला मानसूनी, वन। दूसरा है आपका कटीले वन, तीसरा पर्णपाती वन, और चौथा है सवाना वन। यह वातावरण के आधार पर आधारित वन है, मानसूनी वन, कटीले वन, पर्णपाती वन और सवाना वन। अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर भी भारतीय वनों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन जो है जहां पे उन स्थानों में पाई जाती है जहां पे बहुत अधिक वर्षा होती है, लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां इस प्रकार के वन जो है पाए जाते हैं। और वन हमेशा, ये वन किस प्रकार के होते हैं, हरे भरे होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सदाबहार वन। और ये पाया जाता है असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, समूह तथा पश्चिमी घाट में पाया जाता है। दूसरा वन कहलाता है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन भी अधिक वर्षा वाले
क्षेत्र में पाया जाता है और कुछ समय के लिए इन वनों के पत्ते जो है झड़ जाते हैं। तो कुछ समय के लिए हरे भरे नहीं होते और जब पौधों में फिर से पत्ते आ जाता है तो वो फिर से क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। तो चूंकि कुछ समय के लिए इसमें पत्ते झड़ जाते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधी अर्ध सदाबहार वन कहा जाता है। और ये पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय आदि में, आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा जो वन है वह है उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। शुष्क सदाबहार वन कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है और ये क्षेत्र है कर्नाटक का कुछ भाग जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, इसलिए छोटे छोटे पौधे जो है उगते हैं वो भी हरे भरे होते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, सदाबहार वन कहा जाता है। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अभी तक कौन सा वन देख रहे थे हम, सदाबहार वन, जिसमें लगभग पौधे में हर समय पत्ती जो है पाई जाती है। अब अगला जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसमें पत्ते क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं पौधों से, इसलिए इसको पर्णपाती वन कहा जाता है। और ये जो है कम, ये जहां पे बारिश कम होती है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला इसी का प्रकार है वन का, पर्णपाती वन का उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ये वन जो है पाया जाता है आपका हिमालय के तराई क्षेत्र में, साथ ही साथ छोटा नागपुर का जो पठार है उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाया जाता है। तो ये थे पर्णपाती वन। इसके अलावा मोंटानी अगला जो वन है वो है मोंटानी वन। ये पाया जाता है बंगाल, आसाम और जो घासी, जहां की पहाड़ियां है घासी की, वहां पे ये वन पाए जाते हैं। सातवां वन का प्रकार है अल्पाइन वन। अल्पाइन वन ऊंचे पथरीले पहाड़ों में और बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
ये विभिन्न प्रकार के वन है, एक और छूट गया है वह है उष्णकटिबंधीय कटिले वन। आठवां लिख लीजिए आप लोग, उष्ण कटिबंधीय कटिले वन। कटिले वन मरुस्थली क्षेत्रों में पाया जाता है और इसके पौधे जो है कांटे युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें कटिली वन कहा जाता है। तो ये भारत में पाए जाने वाले वन है जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे वनों का महत्व। क्योंकि हमारे आवश्यकता की अधिकांश चीजें कहाँ से प्राप्त होती है, वन से ही प्राप्त होती है, इसलिए वन जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं या इनका स्थान जो है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वनों का क्या क्या महत्व है वो पहले देख लें। सबसे पहला है वातावरण संतुलन में। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है, प्राणदायिनी वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन वातावरण को क्या करता है, शुद्ध करता है, साथ ही साथ वातावरण के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करता है या सहायक होता है। दूसरा है वर्षा। वनों के द्वारा क्या होती है, वर्षा मतलब वन जो है वर्षा कराने में सहायक होते हैं, क्योंकि शुष्क मौसम में पानी वाष्प के रूप में कहा जाता है वायुमंडल के ऊपर और वहां जाके जल वाष्प में परिवर्तित होता है और बारिश के रूप में भूमि पे आता है। तीसरा है इसका महत्व भूमि संरक्षण। जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जड़ मिट्टी से बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण वन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, भूमि संरक्षण या फिर भूमि के अपरदन को रोकने का कार्य करते हैं, क्योंकि मिट्टी से पौधे के जड़ जो है अच्छे से बंधे हुए होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। अगला महत्व है प्रदूषण पर नियंत्रण। वन विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांचवा आपका है बाढ़ नियंत्रण। वन बाढ़ नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि जहां पे वन या पौधे नहीं रहते वहां बारिश का पानी तेजी से बहता है, लेकिन जहां पे पेड़ पौधे होते हैं वहां पे पानी रुक रुक के प्रवाहित होता है, जिससे वन क्या करते हैं बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, जिससे धन जन की हानि जो है कम से कम होती है। छठवां इसका महत्व है वन उत्पाद। जंगल से हमें बहुत सारे उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे फल हुआ, फूल हुआ, लाख हुआ, मोम, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमको वन से ही प्राप्त होते हैं, इनको हम वन उत्पाद या क्या कहते हैं वनोपज। वनोपज भारत में दो प्रकार के वनोपज या जो जंगल से वन उत्पाद या वनोपज प्राप्त होता है उसको हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है मुख्य वनोपज, मुख्य उत्पाद या मुख्य
वनोपज जो मुख्य रूप से लकड़ी होता है, जो मुख्य वनोपज होता है उसकी आवश्यकता हमको अधिक होती है, इसलिए हम, और ये जो है जंगल में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मुख्य वनोपज। इसका उदाहरण आप लकड़ी को ले सकते हैं। दूसरा है लघु वनोपज, ये जंगल में कम मात्रा में पाए जाते हैं और इसकी आवश्यकता भी हमको कम से कम होती है, जैसे लाख हुआ, शहद हुआ, ये सब कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लघु वनोपज। अब कुछ मुख्य वन उत्पाद कौन कौन से हैं वो देख लें, या भारत में कौन कौन से वनोपज पाए जाते हैं। सबसे पहला है लकड़ी, और लकड़ी बनता है द्वितीयक जाइलम से। किससे बनता है? द्वितीयक जाइलम से। द्वितीयक जाइलम से ही क्या बनता है? काष्ठ बनता है। प्रारंभिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के जाइलम पहले सक्रिय और क्या रहते हैं, जीवित होते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात द्वितीयक जाइलम में टेनिन, रेजिन आदि पदार्थ क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिससे द्वितीयक जाइलम मृत होता है। प्राथमिक जाइलम जो होगा वो कैसा होगा, जीवित होता है, लेकिन द्वितीयक जाइलम में बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि गोंद, रेजिन आदि जमा हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मृत होता है। मृत होता है जिसके कारण लकड़ी का रंग भी दो प्रकार का होता है। यहां पे आप देखोगे लकड़ी के टीएस को, तो भी जो भीतर वाला भाग है वो जो है गाढ़े रंग का दिखाई देता है। गाढ़े रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे रेजिन, गोंद, टेनिन आदि पदार्थ जमा होते हैं, और इसको कहा जाता है, इस कास्ट को जो भीतर की ओर स्थित रहता है उसको अंतः कास्ट। और अंतः कास्ट की कोशिकाएं जो है मृत होती हैं। इसके बाहर हल्के रंग की लकड़ी पाई जाती है और इसकी कोशिकाएं जो है जीवित होती हैं, और इनको कहा जाता है रस कास्ट। तो रस कास्ट बाहर होता है, हल्के रंग का होता है, और इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है, जबकि अंतः कास्ट लकड़ी का भीतरी भाग है और इसकी कोशिकाएं मृत होती है। दूसरा वनोपज है आपका कागज। कागज भी हमको कहां से प्राप्त होता है, जंगल से ही। जंगल से जो बांस के पौधे होते हैं उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, कागज प्राप्त करते हैं। तीसरा है वन औषधियां। वृक्षों से या पौधों से कई प्रकार की वन औषधि प्राप्त होती है, और वन औषधियों के रूप में जो पौधे होते हैं जंगलों में, उनमें पहला है आंवला, दूसरा हर्रा, तीसरा बेहरा, चौथा सर्प, गंधा। ये सब पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं, और इनसे हम क्या बनाते हैं, औषधि बनाते हैं। इसका चौथा जो उत्पाद है जो वन से प्राप्त होता है वो है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता से क्या बनाया जाता है, बीड़ी बनाया जाता है, और इस तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है। तेंदुपत्ता को क्या बोलते हैं, हरा सोना।
कहा जाता है। इसके अलावा कथा, कथा पान के साथ खाते हैं, यह प्राप्त होता है एकेसिया कैडजू नामक पौधे से। कुछ जंतु उत्पाद भी जंगलों से प्राप्त होते हैं। जंतु उत्पाद के रूप में शहद, मोम, लाख, रेशम आदि किससे प्राप्त होते हैं? विभिन्न प्रकार के जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वन में पाए जाते हैं। तो ये था वन में पाए जाने वाले कुछ मुख्य वन उपज। अब आगे देखेंगे हम निर्वनीकरण। यहाँ पे दो शब्द है, एक है निर्वनीकरण और दूसरा वनीकरण। निर्वनीकरण का मतलब है पेड़ पौधे का नष्ट होना या वन का नष्ट होना, वो क्या कहलाता है? निर्वनीकरण। कुछ ऐसे कारण है जिससे वन धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं। और वनीकरण में पौधों को लगाया जाता है जिससे नए वन का विकास होता है, उसे क्या कहते हैं? वनीकरण। तो सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? निर्वनीकरण के बारे में। तो निर्वनीकरण जो है भारत की या हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों को क्या करता है? काटता है, जिससे कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? निर्वनीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे वन नष्ट हो रहे हैं वो देख लें। निर्वनीकरण का कारण सबसे पहला वनों की कटाई। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या आवास बनाने के लिए या उद्योग लगाने के लिए किसको काटता है? वनों को काटता है, जिससे धीरे धीरे वन क्या होते जा रहे हैं? समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरा है निर्वनीकरण का कारण ईंधन के रूप में ग्रामीण जनता या गांव में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? लकड़ी का उपयोग किया जाता है। उसके लिए किसको काटेंगे? जंगल को काटेंगे, तभी हमको क्या प्राप्त होगा? लकड़ी प्राप्त होगा, जिससे वन जो है धीरे धीरे या पौधों की संख्या धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होते जा रही है। जलाऊ लकड़ी के रूप में हम पौधों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तीसरा है इमारती लकड़ी के रूप में भी इमारती लकड़ी जिससे क्या बनाया जाता है? इमारत या भवन आदि निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए हमको जो लकड़ी है कहाँ से प्राप्त होती है? वन से। और वन को काटेंगे तभी हमको भवन बनाने के लिए क्या प्राप्त होगा? लकड़ी प्राप्त होगा। इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी या बढ़ती हुई जनसंख्या। भूमि जितना है उतना ही है, उसकी जो मात्रा है या सब उसका अनुपात नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जनसंख्या क्या होती जा रही है? लगातार बढ़ रही है। बढ़ती हुई आबादी को भोजन, आवास आदि की आवश्यकता होती है। उसके लिए वो किसको काटता है? वनों को काटता है और
जिससे वन क्या होते हैं धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। अगला कारण है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में हमारा देश जो है औद्योगिक रूप से विकसित हो रहा है, इसके लिए बड़े बड़े कारखाने स्थापित करते हैं और कारखानों को स्थापित करने के लिए जगह चाहिए और जगह यदि उपलब्ध नहीं है तो हम उसको किसको काटते हैं, जंगलों को काटते हैं और किसका विकास करते हैं, हम उद्योगों की स्थापना करते हैं। छठवां कारण है खनन उद्योग। खनन उद्योग, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसको हम खोद कर निकालते हैं, तो खनन करते समय भी क्या होते हैं, पेड़ पौधे कट जाते हैं। तो ये सब था निर्वनीकरण के कारण। अब आगे देखेंगे निर्वनीकरण से क्या क्या दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव पड़ता है। निर्वनीकरण से कौन कौन से दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम होता है। सबसे पहला, बारिश कम होगी या वर्षा कम होगा। दूसरा, सूखा पड़ेगा या सूखे की समस्या उत्पन्न होगी। वातावरण जो है प्रदूषित होगा या प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। भूमि जो है बंजर होगी या भूमि भी उसी में आ जाएगा प्रदूषण में, वो भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। प्राकृतिक संसाधन असंतुलित हो जाते हैं या प्रकृति जो है असंतुलित होती है। पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन, ये सब प्रभाव पड़ता है निर्वनीकरण से। अब इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए या बचने के उपाय। निर्वनीकरण से बचने के उपाय, तो सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण किए भूमि में जो भी बंजर जमीन है या परती जमीन है उस पर भी वन लगाना चाहिए या पौधे लगाना चाहिए। वनों को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। जिससे वे वनों को न काटें। इसके अलावा सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देना चाहिए।
कृषि वानिकी का मतलब है जो खेत होते हैं उनके बीच में क्या होता है, मेड़ होता है। तो मेड़ में क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे फसल की सुरक्षा होती है, साथ ही साथ वातावरण जो है प्रदूषित होने से बच जाता है और शुद्ध पर्यावरण जो है हमें प्राप्त होती है। तो ये था निर्वनीकरण से बचने के उपाय, और अब है आगे वनीकरण। वनीकरण, वनीकरण मतलब नए वनों का विकास करना। नए वनों का विकास कब होगा, जब हम नए पौधे लगाएंगे तब क्या होगा, नए वनों का विकास होगा। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, वनीकरण। तो बच्चों आज हम क्या क्या पढ़े, भारत में कितने प्रकार का वन पाया जाता है, वनों को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही साथ वनों का क्या महत्व होता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।